नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं रितिका शर्मा हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लगातार 12वें दिन बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम। एक लीटर डीजल के दाम में अब तक 7 रुपए का इजाफा। महंगे डीजल से महंगाई के साथ साथ बढ़ी खेती की लागत। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद ने 2012-13 का रिकॉर्ड तोड़ा। अब तक सेंट्रल पुल में जमा हुआ 382 लाख टन गेहूं। गेहूं खरीद में एमपी रहा अव्वल तो यूपी है बेहद सुस्त। एमपी में चना, मंसूर और सरसों खरीद की सीमा 29 जुलाई तक बढ़ी। केवल पंजीकृत किसानों से खरीदी जाएंगी फसलें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया एक एक दाना खरीदने का आश्वासन। और राजस्थान में मनरेगा के तहत 200 दिन काम देने के लिए प्रदर्शन। मजदूरों ने 25 जिलों में पीएम मोदी के नाम सौंपा मांग पत्र। कहा 100 दिन का अतिरिक्त काम ना मिले तो दिया जाए बेरोजगारी भत्ता। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 12वें दिन इजाफा हुआ है और इसके साथ बीते 12 दिनों में पेट्रोल प्रति लीटर 6 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया है। वहीं डीजल की बात करें तो इसके दाम भी 7 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल डीजल के दाम में ये इजाफा तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेहद कम बनी हुई हैं। इस समय कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है और इससे किसानों को खेती की लागत का पूरा गणित बिगड़ता दिखाई दे रहा है। तो किसानों पर महंगा पड़ रहा है डीजल की मार। दोहरी मार यहां झेलते हुए किसान। एक तो लॉकडाउन के चलते खरीदी पर और उत्पादन पर असर पड़ा, वहीं अब दिन ब दिन ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। इससे किसानों पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र जी, डीजल प्रति लीटर 7 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया है अब तो, और मानसून आने के साथ किसान खरीफ सीजन की फसलें बोने में जुटे हैं। ऐसे में खेती की लागत में कितना उछाल यहाँ आ सकता है? क्या ये लॉकडाउन के बाद किसानों पर दोहरी मार पड़ने जैसा नहीं है? देखिए, वाकई इस सरकार ने पहले नोटबंदी करके फिर जो है ये लॉकडाउन करके लगभग जो है पूरा किसान बर्बाद हो गया है जी। और अब कच्चा तेल बहुत ज्यादा सस्ता आने के बावजूद $20 तक जो है कीमत चली गई थी, अब लगभग $40 प्रति बैरल के आसपास है। उसके बावजूद भी ये जो है लगातार उसमें एक्साइज और वैट और सब टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। यदि इसका अध्ययन किया जाए तो बेस प्राइस जो पेट्रोल और डीजल का है वो लगभग 18 से 20 रुपए के बीच में है। बाकी सारा का सारा यानी 55 रुपए का टैक्स प्रति लीटर लगभग वसूला जा रहा है जी। जो इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। जबकि पूर्व की सरकारें जब थी तो सब ये जो है सड़कों पे उतर आते थे और तरह तरह के ड्रामेबाजी करते थे कि साहब हम आएंगे तो हम 25 रुपए से ज्यादा डीजल नहीं होगा, 35 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं होगा। और अब इनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। रोज जो है सामान्य आदमी की भी और किसानों की विशेषकर, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है खरीफ की बुआई का, ऐसे में बहुत ज्यादा बजट खराब कर दिया है जो है किसानों का, और लागत बढ़ती चली जा रही है और किसान बिल्कुल मतलब आमदनी का कोई जरिया नहीं है। बहुत ज्यादा हालत खराब है किसान की इस वक्त। बिल्कुल, एमएसपी की बात करते हैं पुष्पेंद्र जी। सरकार ने खरीफ सीजन की फसलों की एमएसपी बढ़ाने के बाद दावा किया था कि हम किसानों को फसलों की लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इससे खेती की लागत में उछाल आया है। उसके बाद 1.5 गुना कीमत देने के केंद्र सरकार के दावे पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो इन्होंने लागतें ठीक नहीं कैलकुलेट करी थी। लागत इन्होंने जो है A2+FL कैलकुलेट कर दी, जबकि वास्तविक वायदा C2 संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देने का था। तो लागत आप कम करते दिखा रहे हैं कागजों में, वास्तव में दिखाई पड़ रहा है। क्षेत्र में चले जाइए तो जो है डीजल है और उत्पाद है सारों, सब चीजों की महंगाई बढ़ती चली जा रही है जी। इसके साथ मैं एक और चीज बता दूं, कम लोगों को जानकारी है कि जब कच्चा तेल सस्ता आता है तो आपके जो रासायनिक उर्वरक है, खाद है, फर्टिलाइजर है, DAP, यूरिया, पोटाश, ये भी बहुत सस्ते हो जाते हैं क्योंकि उनका रेट उसी के साथ साथ चलता है जी।
ये, और क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में इनको आयात भी करते हैं, तो हमारा जो है वो भी बहुत सस्ता हो रहा है, उसमें भी ये लोग सब्सिडी बचा रहे हैं। इधर एक्साइज बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, वहाँ अपनी सब्सिडी बचा रहे हैं। आज वास्तव में देखा जाए तो 700-800 रुपए का डीएपी का बैग मिलना चाहिए, जो 1400 रुपए का ये बेच रहे हैं। तो दोनों हाथों से किसानों की लूट हो रही है और किसान जो है बर्बाद हो रहा है। जब एमएसपी बढ़ाने की बात आई थी तो आपने देखा होगा धान में मात्र जो है इन्होंने 50 रुपए करीब बढ़ाए थे, जो कि बहुत ही नाकाफी थे, मतलब 2-3% भी नहीं थे। 10% तो इन्होंने डीजल अभी बढ़ा दिया, 10% से ज्यादा अभी 8-10-12 दिनों के अंदर। तो सरकार जो है बिल्कुल किसान विरोधी साबित हो गई है और हम किसान वर्ग तो सारा का सारा बहुत ज्यादा निराश है सरकार। बिल्कुल, तो यहाँ खेती का पूरा गणित किसानों के लिए बिगड़ता हुआ, क्योंकि हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मुताबिक इस साल गेहूं खरीद में साल 2012-13 का रिकॉर्ड टूट गया है। इस साल सेंट्रल पूल के लिए गेहूं की खरीद 382 लाख टन पहुंच गई है, जो 2012-13 में 381,48,000 टन थी। राज्यवार आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश ने इस साल पंजाब को पीछे छोड़ते हुए 129 लाख टन गेहूं खरीद की है। वहीं पंजाब ने 127 लाख टन गेहूं खरीदा है, लेकिन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक होने के बावजूद यूपी में गेहूं खरीद की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। प्रदेश सरकार ने इस साल 55 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है, लेकिन आउटलुक में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक 17 जून तक सिर्फ 31,67,000 टन गेहूं ही खरीदा जा सका है। हालांकि FCI के मुताबिक ये आंकड़ा 40,14,000 टन है, लेकिन आंकड़ों में 8,47,000 टन के इस अंतर से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की समय सीमा को 15 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है, लेकिन बीते साल के अनुभव को देखते हुए इस साल भी खरीद लक्ष्य ना पूरा होने पाने की बात कही जा रही है। बीते साल इतने ही लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 37 लाख टन गेहूं खरीद हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश भले ही गेहूं खरीद में सबसे आगे है, लेकिन यहां खरीदे गए गेहूं को सुरक्षित रखने की चुनौती बढ़ गई है। बीते दिनों बारिश से खरीद केंद्रों पर गेहूं भीगने के मामले सामने आए हैं और इसके अलावा किसानों को भुगतान में देरी की समस्या देखी जा रही है। सरकार का दावा है कि 129 लाख टन गेहूं के लिए अब तक 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं किसान नेता केदार शंकर सिरोही की माने तो किसानों का अभी 3,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। यूपी में गेहूं खरीद के लक्ष्य से पिछड़ रहा है और एमपी में भुगतान में देरी हो रही है। इससे किसानों पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह से बातचीत की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनिका एरन ने। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर क्या रहे जमीनी हालात, इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से किसान नेता युद्धवीर सिंह जी जुड़ गए हैं। युद्धवीर जी, ये बताएं, उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की खरीद के आंकड़े आ रहे हैं, उनमें जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसका कहना है कि 17 जून तक 40 लाख टन से ज्यादा की खरीद हुई और राज्य सरकार ये आंकड़ा दे रहा है 31 लाख टन का, तो दोनों में ये आंकड़ों में इतना फर्क क्यों आ रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप, और इस तरह से आंकड़ों में फर्क होगा तो उसका क्या इम्प्रेशन, क्या जरूरत पड़ी इस तरह से आंकड़ों में पढ़ने की? नहीं, ये दर्शाता है कि पारदर्शिता नहीं है। जब केंद्रीय एजेंसी और स्टेट एजेंसी में आपस में तालमेल नहीं है और वो सही आंकड़े देने में सक्षम नहीं है, तो किसान की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दोनों सरकारी एजेंसी हैं, दोनों के दावे अपने आप को में अलग अलग है, मेल नहीं खाते आपस में। मेरे जो जानकारी के अनुसार अब की दफे उत्तर प्रदेश में किसान केवल 50-52% अनाज दे पाया, तुलवा पाया, जिस तरह के नॉर्म्स बने थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जिसका नंबर आएगा वो जाएगा, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता था, उसकी क्वालिटी को लेके तरह तरह की परेशानियों में उसको डाला जाता था, तो वहाँ रिश्वत का बोलबाला रहा खरीद में। प्रति बोरी के 50 से 70 रुपए तक उनने जो एजेंसी दी, उनके कर्मचारियों ने किसान से वसूले, उसमें उनको रिजेक्ट करने का डर दिखा के, तो ये वो बहुत ही बुरी स्थिति रही।
और इसकी वजह से किसान को मजबूरन 1925 का जो भाव था गेहूं का 1600 से 1700 रुपए के बीच में व्यापारी के हाथों बेचना पड़ा। ये कहीं खरीद जो दिखा रहे हैं आंकड़े और इन्होंने खरीदे हैं तो व्यापारी के माध्यम से इनके पास आया होगा, किसान के माध्यम से केवल 50% गेहूं की खरीद किसान की हुई है, ऐसा मेरा जानकारी है। ये बताएं कि यहाँ पर लक्ष्य 55 लाख टन खरीदी का था, FCI और नेफेड मिलकर खरीदी कर रहे हैं और अब इन्होंने जो तारीख है उसे भी 15 जून से आगे बढ़ा दिया है, 30 जून तक कर दिया है। ये जो तमाम तरह के खरीदी के टारगेट आते हैं और एक्चुअल जो खरीदी होती है, हम देख रहे हैं अमूमन सारे राज्यों में इस तरह की होड़ लगी है कि ये टारगेट था, हमने उस लक्ष्य से ज्यादा खरीद लिया। बात करें मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, भले ही बोला है कि मध्य प्रदेश ने पंजाब को बीट कर दिया, तो ये जो आंकड़ों की जो एक आपको लगता है कि आंकड़ों का एक खेल चल रहा है कि कुछ ज्यादा टारगेट से ज्यादा खरीदने के का दिखाना आंकड़ों में और फिर उसके बारे में बढ़ चढ़ कर बोलना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कई प्रदेशों में तो खरीद हुई नहीं, मतलब बिल्कुल नाम मात्र की, और सरकारी आंकड़े उस खरीद को दिखा रहे हैं, तो बड़ा ताजुब होता है कि कोई कॉल सेंटर बना नहीं, कहीं खरीद हुई नहीं। पूरा किसान, मैं राजस्थान के किसान की बता रहा हूँ, आज के दिन जो सरबती गेहूँ है जिसका भाव सरबती आप जाते हैं तो NP के नाम से आपको 3,3200-3500 रुपये मिलता, वो 1600 रुपए में यहाँ बिक रहा राजस्थान में। कौन, क्योंकि खरीद नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा। टोटल गेहूँ जो है वो व्यापारियों के हाथों जा रहा, किसान व्यापारी को अप्रोच करता है, उसकी उससे रिक्वेस्ट करता है मेरा गेहूँ ले लो, ये पोजिशन है। सरकार अगर खरीद कर तो ये स्थिति नहीं हो, यही मध्य प्रदेश के हालात है, किसान तो धक्के खा रहा है। खरीद किसकी हो रही है वो एक बहुत ही सोच का जांच का विषय है। खरीद हो रही है, व्यापारी खरीद रहा है और व्यापारी बेच रहा है सरकार को, किसान से 200-300 रुपए सस्ता लेता है और वो फिर बहुत पर्ची वो एक मिली वगैरह का बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, वहाँ खरीद हो रही है जी। इसमें आपका क्या सुझाव है कि बोला जा रहा है कि देश भर में रिकॉर्ड खरीदी हुई है, लेकिन असल में जैसे कि आपने बताया कि छोटे किसान तो वाकई में अपने सामान को समय पर बेच ही नहीं पाए और ना ही सही भाव पर, क्योंकि आपदा जो है कोरोना की, इसकी वजह से कई तरह की अड़चनें सामने आई, तो अब आपका क्या सुझाव है ऐसे में, क्या होना चाहिए? नहीं, होना ये चाहिए था कि इसको डिसेंट्रलाइज करते हैं, सरकारी एजेंसियां सरकार आपके द्वार, मतलब खरीद जो है सरकार शेड्यूल देती और वो तहसील लेवल पे ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम जारी करते, गांव में जाके सीधा टोल कांटा लगता और जितनी टोल होती शाम को उठा के ले आते उसको वहां से रोड करके। जब तक ये तरीका नहीं, मतलब किसान इतना छोटा किसान हो गया कि वो मंडी तक ले जाने की पोजिशन में उसका टेम्पो का किराया अगर वो टेम्पो करता 10 बोरी के पीछे नहीं उसको पड़ता खाता, मजबूरी में जाता है व्यापारी के पास, तो इसका सब सीधा समाधान है कि ये गवर्नमेंट की जो एजेंसी है ये इसको डिसेंट्रलाइज करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने MSP पर चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए समय सीमा 29 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले 15 जून तक खरीद होनी थी, हालांकि अब खरीद सिर्फ SMS देकर बुलाए जाने वाले किसानों से ही की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से कहा कि वे अपनी फसल को घर में ही रखें, सबका एक एक दाना खरीदा जाएगा। बढ़ते हैं आगे, वहीं शहरों से गांव लौटे मजदूर मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के लगभग 25 जिलों में मजदूर ने रैली निकाली और मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार को 200 दिन करने की मांग की। इन मजदूरों ने PM मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मजदूरों ने रोजगार के दिन न बढ़ाने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग की है। लोगों को 100 दिन मतलब तुरंत चाहिए, कहीं रोजगार मिल नहीं रहा, महामारी के हिसाब से कोई कार्यक्रम काम बता है नहीं, बाहर से सब लोग आ गए हैं, यहाँ पर कोई धंधा नहीं है, काम धंधा है नहीं, और लोगों को सख्त ज़रूरत है इस काम की। अतः ये प्रधानमंत्री के नाम पर हमारे यहाँ भीलवाड़ा ज़िला में, मांडल ब्लॉक में, सभी जगह से ये ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री के नाम पर।
वहीं लॉकडाउन के बाद शहर छोड़कर गांव पहुंचे मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करने जा रही है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका 20 जून को उद्घाटन करेंगे। इसे बिहार में खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलीहर गांव से शुरू किया जाएगा। 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू होने वाली इस योजना में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए इस योजना से कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा जाएगा। So this whole idea of getting so many different schemes which have a rural component to be focused on the workers who have reached there so that they immediately utilized and immediately provided with a livelihood. So that's been the primary objective with which we are doing this. Why only 125 days and not more? 120 days translates to 4 months. At least for the next 4 months, we are giving them a clear, concrete a blueprint with which they will be engaged. Now, the focus is, like rightly when the secretary presented his details, he said, we've included the KVKs. Why have we included KVKs? Because in agri-related activities, if there are people who need to be trained, who are willing to go through this training, KVKs are being brought in more for giving them the skills, particularly in agri-related matters. वहीं सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करने जा रही है, लेकिन बाकी के जिलों में शहर से लौटे मजदूरों को कैसे रोजगार मिलेगा? अभी खेती में रोजगार मिल रहा है और वो कितने दिन और मिल पाएगा? अगर सभी को रोजगार देने हैं तो और क्या करने की जरूरत है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन हुआ तो मजदूर तबके के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। कुछ नहीं सूझा तो पैदल ही अपने गांव चल पड़े। रास्ते की दुश्वारियों को सहते ये मजदूर अपने गांव घर पहुंच चुके हैं, लेकिन इनके सामने एक सवाल अब भी बना हुआ है कि कैसे 4 पैसे की कमाई की जाए और कैसे जिंदगी की गाड़ी खींची जाए। मनरेगा के तहत अभी जितना काम मिल रहा है या मिल सकता है उससे पूरे साल गुजारा हो पाना मुश्किल है। ऐसे में अब खेती ही इन प्रवासी मजदूरों का सहारा बन रही है। कोई लाभ ही नहीं है उसमें, बाहर जाने से कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे। अब जो भी मिलेगा तो खेती ही मिलेगा, या करें या ना करें, बस खेती में। तो आपके बच्चों को रोजगार खेती दे देगी? अब देगा सर। तो अब आए गए तब ही खेती कमाई है, मिल ही नहीं, अब कहाँ मिल पाए, कमाई कूरा ऐसे दान है। आपके गांव से कितने लोग चले गए थे? बहुत आदमी चले गए रहे, बहुत आदमी आए भी गए, गांव में घर में भग गए, अब बैठे हैं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं वो? अब उन कहाँ करें, घर ने गांव में खेती कमाई कर रहे हैं, इसने खेती के रोजगार कर रहे हैं। रोजगार अब ये खेती ही का रोजगार है, ये जिनकी खेती है खेती करेंगे ना, ये मजदूरी करेंगे किसानों के। इधर मजदूरी जो करते रहे पहले वो छोड़ के भग गए, फिर आएंगे तो वो ही करेंगे, यही सहारा है उनका। रोजगार मतलब आप किसी ही दे पाएगी? किसी दे पाएगी। केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के बाद 6 राज्यों के 119 जिलों में 67 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने अलग अलग शहरों से वापसी की है। इसमें पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में शहरों से लौटने वाले मजदूरों का आंकड़ा शामिल नहीं है, यानी ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। अब अगर राज्यवार आंकड़े देखें तो बिहार पहले, यूपी दूसरे, राजस्थान तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। जानकारों का साफ कहना है कि शहर से लौटे इन लोगों को काम देने के लिए खेती के मौजूदा ढांचे में तेजी से बदलाव करने की जरूरत है। ये रोजगार के अवसर जो है वृक्षारोपण के माध्यम से, बांस रोपण के माध्यम से, नर्सरी प्रबंधन के माध्यम से, मूल्य संवर्धन के माध्यम से, और जो है आपका फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, इनके माध्यम से हम नौजवानों को आकर्षित कर सकते हैं। बागवानी का ज़्यादा से ज़्यादा रकबा बढ़ाएं तो बागवानी के लिए आकर्षित कर सकते हैं, और फिर इनसे जो उत्पाद होंगे उनके लिए हमको यातायात की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था, और जो है उनके वैल्यू एडिशन की व्यवस्था, मतलब मूल्य संवर्धन की व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो है मैं समझता हूँ कि कृषि का क्षेत्र अपने आप में इतना सक्षम है
कि ये हमारे शहर से लौटे हुए जितना भी आबादी का पलायन है इसको आराम से रोजगार दिया जा सकता है। बेशक खेती में देश का पेट भरने और सबसे ज्यादा रोजगार देने की क्षमता है, लेकिन कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में बहुत तेजी से बदलाव करके शहरों से लौटी इस आबादी को रोजगार ना दिया गया तो एक बार फिर गांव से शहरों की ओर पलायन से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कोरोना से लड़ने में शरीर की प्रतिरोधकता या कहें इम्यून सिस्टम सबसे अहम भूमिका निभा रहा है और इसके लिए खान पान का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब हमारा खाना केमिकल्स फ्री हो और इसके लिए जरूरी है कि देश में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसी को देखते हुए नीति आयोग ने एग्रो इकोलॉजी आधारित नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। देखिए रिपोर्ट। और हरियाली हो या जैविक खेती, पूर्वोत्तर भारत का कोई सानी नहीं है। सिक्किम में आज जहां 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्राकृतिक खेती हो रही है, वहीं दूसरे राज्यों में भी किसान जैविक खेती में हाथ आजमा रहे हैं। हालांकि कोविड जैसी नई चुनौतियों और सेहतमंद खान पान की मांग को देखते हुए इस प्राकृतिक खेती को एग्रो इकोलॉजी आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत फसलों और पौधों की ऐसी मिश्रित खेती होती है जिससे मिट्टी की उर्वरता के लिए केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इससे खेती की लागत भी घट जाती है और आने वाला कल जो है वो एग्रो इकोलॉजी का ही कल है और उसमें जो है ये प्राकृतिक कृषि होगी। जीव अमृत और घन जीव अमृत और नीम अस्त्र में ये क्वालिटी है कि वो जमीन की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, मतलब जैसे केचुए हैं और जो छोटे लाखों करोड़ों की तादाद में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको फिर से जिंदा करने के लिए ये काम आती है और जब एक बार वो चलने लगते हैं तो ज़मीन जो है वो फिर से उपजाऊ और एक तरह से जीवित हो जाती है, तो उससे ही वो ज़मीन का फायदा हो जाता है। तो आप वही फसलें आप ले सकते हैं जो आप पहले ले रहे हैं। बस सिर्फ ये है कि आप अपनी जो कृषि की पद्धति है उसको आप बदल के जो वो है जो आप रासायनिक ना लेकर जो ऑर्गेनिक है, जो कि आपकी गाय पर आधारित जो आपकी जो पदार्थ हैं उनको अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी उत्पादकता और आपकी उतनी रहती है मगर आपकी कीमत जो है, आपकी जो लागत है वो बहुत कम हो जाती है। यूं कहा जा सकता है कम से कम सिर्फ 20% रह जाती है। देश में कई किसान एग्रो इकोलॉजी के जरिए नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, इससे उन्हें फायदा भी मिल रहा है। हालांकि दूसरे किसानों को इससे जोड़ने के लिए इसकी वैज्ञानिक रूपरेखा और आकलन होना जरूरी है। इसमें दो चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक तो ये कि जो इसके नीचे जो हमारी इसकी जो वैज्ञानिक जो इसकी रूपरेखा है उसको हमारे जो ICAR के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उसको जांचें और उसमें फिर उस बात को पुख्ता करें। अब जैसे हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने इस पर बड़ा भारी काम किया, उन्होंने इसकी बताई है कि इसमें करने वाले लोगों को क्या फ़ायदा है, इसे कैसे ऑर्गेनिक सॉइल बढ़ती है वगैरह। तो एक काम तो ये है कि इसकी वैज्ञानिक पुष्टि करें, दूसरा काम ये है कि हम इसका ये बताएं कि कैसे इसके प्रयोग से किसानों को जो उनकी आमदनी है और किसानों और जो पूरे हमारे जो हमारी पूरी मतलब अर्थव्यवस्था है, मतलब इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, इसमें जितना भी आप पेस्टिसाइड वगैरह कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें ठीक से निकालना है। नीति आयोग ने एग्रो इकोलॉजी आधारित नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए देश के 6000 ब्लॉक में मॉडल फार्म बनाने की योजना बनाई है। ऐसे हर एक मॉडल फार्म पर मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे ताकि किसानों को जरूरी सूचनाएं दी जा सके। तो हम ये चाहते हैं कि ये मॉडल फार्म 6000 ब्लॉक में, हर ब्लॉक में कुछ एक मॉडल फार्म बन जाए जहाँ पर हमारे मास्टर ट्रेनर्स आ जाएं जो कि किसानों को ये दिखा सकें प्रत्यक्ष में कि इसको करने से कैसे उनको फ़ायदा हुआ। क्योंकि एक बार जब किसान देख लेता है किसी भी चीज़ को तो किसान बुद्धिजीवियों की तरह किताबों से नहीं सीखता है, वो सीखता है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। तो हम इसको ज़मीन पर उतारना चाहते हैं पूरे 6000 ब्लॉक के साथ और जब एक बार ये हो जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले कुछ साल 5-7-8 साल है, क्योंकि नंबर तादाद बहुत ज़्यादा है 16 करोड़ तक पहुंचाने में, मगर इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है
कि सिक्किम में ये पूरा उन्होंने प्रदेश अपना बदल लिया, और वो कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ उनके पूरे प्रदेश में कोई भी रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल ही नहीं होता। तो अगर एक राज्य कर सकता है, हाँ माना कि वो छोटा राज्य है, अगर एक राज्य पूरा ऐसा कर ही सकता है, और गुजरात में ये जो मुहिम है वो अब शुरू हो गई कि वहाँ पे वो 22,000 मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सारे जगह फैल जाएंगे, हर ब्लॉक में फैल जाएंगे और जाके वहाँ करेंगे, तो इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सरकार की योजना और दावे जो भी हो, लेकिन इसकी राह आसान नहीं लग रही है। इसकी वजह है किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशक पर तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन जब वही किसान केमिकल्स का इस्तेमाल छोड़कर जैविक खेती करने लगता है तो उसे इसके लिए सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए आज किसान बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।